नमस्कार दोस्तों, आज मैं पेची का पत्ता का सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये जो डंटी इसका है, इसका जो डंटी इसको काट करके हटा देना है। देखिए आज मैं दिखा रही हूँ किस तरह से डंटी काटना चाहिए, इस तरह से इसका डंटी काट के हटा दें। देखिए दोस्तों, मेरा डंटी सब काट लिए हैं। हम अपना डंटी काट करके इसको अच्छी तरह से भूनना है। देखिए कद्दू का पत्ता हमने धो लिया है, अब धो करके इसमें क्या मसाला डालेंगे ये आपको दिखाने जा रहा है। देखिए तो लहसुन है, 3-4 फुट लिए हैं लहसुन, ये लहसुन पड़ेगी। ये सरसों है, 50 ग्राम सरसों है, इतना सरसों है। 2 चम्मच हल्दी है, हरी मिर्च है, इमली है, 3 टमाटर है, हरी मिर्च है। देखिए बेसन में क्या क्या मसाला डालेंगे ये आपको दिखा रहा है। मिर्चा ले लिए, अब इसमें से इतना गोलकी ले लिए, थोड़ा सा जीरा ले लीजिए और हल्दी, इसमें बेसन में 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें से लहसुन ले लेंगे। अब इसको पीस करके इस बेसन में मैं डाल दूंगी। देखिए हमारा मसाला पिसा चुका है, अभी बेसन में मैं डाल दूंगी। स्वाद अनुसार अपना नमक डाल दें। ये जो मैं इमली ला करके रखी थी वो इमली इसमें पानी इसका डाल देंगे। मैं डाल दी इमली, अब इसमें पानी डाल करके गढ़ा ये भरना है इसको। ज़्यादा पानी डाल करके पहले से नहीं, धीरे धीरे पानी डालिए, इसको इस तरह से घोलते रहिए। इसमें थोड़ा चावल के मैं पाउडर डालूंगी। देखिए अच्छी तरह से ये घुल गई है, इसमें अब चावल का आटा इतना डाल देंगे और डाल करके इसको अच्छी तरह से घोलते रहें। ये गाढ़ा ही रहेगा तब पत्ता में लगेगा, बेसन ज्यादा पतला नहीं करना है। इसमें चावल का आटा डाल दिए, कुड़कुड़ापन ज्यादा रहेगा। देखिए अच्छी तरह से मेरा घुल चुका है, अब इसको रख दें। अब मसाला ग्रेवी का मसाला पीस रहे हैं। मसाला में बस पानी डाल दीजिए, अब ये मसाला। अब इसमें हम मिर्चा भी डालेंगे, आपको जितना तीखा खाना है उतना अपना डाल सकते हैं। मैं तो 1 चम्मच डाल करके दिखा रही हूँ इतना। अब लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल दी। अभी इस मेरा सब तैयार हो गया है, अभी कढ़ाई में मैं पानी डालूंगी। कढ़ाई में पानी डालेंगे, पत्ता मेरा इसमें डूब जाने भर, जो बेसन लपेट करके मैं इसमें पत्ता। अब पानी डाल दिया इस कढ़ाई में, अब हाई फ्लेम में गैस, अब पूरा हाई फ्लेम में रखिए कि गर्म पानी पूरा खोल जाए। पानी खोलने पर ही इसको पत्ता को डालना है। अब देखिए ये पत्ता में अब बेसन हम इस तरह से लगाएंगे, बड़ा छोटा पत्ता है, कोई पत्ता फटा हुआ है तो इसको इस तरह से हम करके ही लगाएंगे। जिधर फटा हुआ है उधर तो नहीं करेंगे, बेसन उधर नहीं लगाएंगे। इसको फटा हुआ इसको इस तरह से ढक देंगे। कोई पत्ता बड़ा है, कोई पत्ता छोटा है, एक साइज को तो है नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं बना लूंगी। देखिए इस पत्ता को इस तरह से सरियाइए, ये
इस पत्ते को, अभी चार पत्ता हो चुका है। इसको अच्छी तरह से बेसन लगा देना है, पूरी एकदम अच्छी तरह से। ये बराबर में होना चाहिए, तब आपको अच्छा होगा। चार पाँच दस जितने पत्ता आपको लेनी है उतने आप लीजिए। कम से कम 10 पत्ते आप इसमें, देखिए कोई कोई पत्ता कटा भी है तो उतना चल ठीक हो जाएगा, बेसन लगा देंगे तो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि बराबर में होना चाहिए। इसमें बेसन लग चुकी है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए कि ताकि आपके बेसन ना निकले। अच्छी तरह से ध्यान देखिए, ध्यान दे करके ही इसको फोल्ड करना है। अब इसको इधर से ऐसे घुमा लीजिए। अब आप इस तरह से इसको देखो फोल्ड करते रहिए। अच्छी तरह से हमारी फोल्ड हो चुकी है। अब मैं इसमें धागा इस तरह से लपेट देंगे। खुले नहीं, अच्छी तरह से धागा लपेटना है। ये हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से सारे पत्ते को फोल्ड कर लेना है। देखिए अब हमारा बन चुका है। अब इसको अच्छी तरह से लपेट लिए। अब मेरा पानी भी खुल चुका है। अब इसमें इस तरह से डालेंगे, खोलते हुए पानी में डालना है एकदम आराम से। अब इसको 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। अब इसको ढक दे रहे हैं, इसको ढक दीजिए। 5 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। हाँ देखिए, अब हमारी और 1-2 मिनट और छोड़ देंगे, अब हमारा तैयार ही हो चुका है। कड़ापन इसमें है, हाई पर ही रखिएगा गैस। अब फिर इसको थोड़ा सा ढक दे रहे हैं 2 मिनट के बाद। अभी हमारा उबाल हो चुका है। देखिए ये अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसको गैस को ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिए गैस। अब इसको ये इस तरह से इसको ऐसे निकाल लीजिए। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस धागा को निकाल देंगे। धागा को निकाल करके ही इसको पीस पीस काटेंगे। ये हमारी ठंडा हो चुकी है। इसी तरीका से सबको खोल दें, सबको धागा खोल देना है। अब पीसे पीस काटेंगे। इस तरह से इसको
काटनी है। देखिए कितना अच्छा काट लिए हैं। अब इसी तरह से इस सबको काटेंगे। देखिए काट चुके हैं, अब कटा गया, तेल भी हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा गैस कम कर देंगे। गैस कम करके देखिए दोस्तों इस तरह से इसको डालना है। देखिए लाल हो चुका है मेरा, अब इसको लट देंगे। देखिए ये हमारा लाल हो चुका है, अब इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से सबको फिर फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से मेरा लाल पूरा हो चुका है, पूरा लाल फ्राई कर दिया है। और देखिए इसमें मैं पचफोरना डालूंगी, इसमें एक चम्मच ठंडा कर लीजिए। अभी मैं मसाला डाल दूंगी। जब तक मसाला हमारी भून रही है तब तक मैं टमाटर भी काट लूंगी। अब इसमें स्वाद अनुसार अपना नमक डालें। इसमें थोड़ा नमक अपना अनुसार डालिए, लेकिन खट्टा इसमें डाले हैं, टमाटर भी है, इमली भी है, इसलिए थोड़ा नमक कटक भी बहुत अच्छा लगता है। मसाला फ्राई हो चुका है, देखिए इसमें टमाटर भी अच्छी तरह से भून गई है। इसी तरह से बनाए, इस तरह से मैं बताई हूँ उसी तरह से बनाइएगा, तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें पानी डाल दिया, अब उबाल आ जाएगी इसमें, अब इसको ढक दे रहा है, उबाल आने पर ही उसको डालेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अब हो चुकी है। अब इसमें मैं सब डाल दूंगी। अब इसमें धनिया पत्ता हम डाल देंगे। मेरा अच्छी तरह से हो चुकी सब्जी, अब इसको ढककर गैस ऑफ कर दे रहे हैं। अब मेरा बन चुका है, हमारी सब्जी बन चुकी है। और गर्मा ही गर्म खाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें।